हाँ तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लो डी मस्ती व्लॉग्स को और बेल आइकन को भी दबा दो लेटेस्ट व्लॉग्स पाने के लिए। What's up everybody, welcome back with interesting channel D Masti Vlogs. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक होगा आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मेरी तो जरूरत ही नहीं होगी फिर आप लोगों को। बाय बाय। मजाक कर रहा हूँ यार, हकीकत में क्यों बाय बाय बोल रहे हो? So आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा ही कूल लुक पे टॉपिक है। आज हम ऐसी एक दुकान जाने वाले हैं, गलत बात नहीं मतलब आज एक हम ऐसी दुकान जाने वाले हैं जहाँ पे आपको कूल दिखने की सारी आइटम्स मिल जाएगी। सो मैं पहले बता दूँ ना, उनसे मैं पैसे ले रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गिव फ्री प्रमोशन टू एवरी वन, सो यू कैन मेल मी और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो अगर आप किसी को अपने दुकान की प्रमोशन करानी है। सो ये रही मेरी यूजर आईडी, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो यार, वहाँ पे मैं भी अपडेट रहता हूँ। सो चलते हैं यार, ज्यादा बातें नहीं करते, बोर हो जाएगी वीडियो, क्योंकि इंट्रो ही बोर हो जाएगा तो बाकी देखना यार पसंद नहीं करते लोग। सो चलते हैं और सब्सक्राइब कर करके चैनल को, इंस्टाग्राम फॉलो करो फटाफट। सो गाइस रेडी हो चुके हैं, आउटफिट देख लो बढ़िया लग रहा है, रेडी हो चुके हैं यार। गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है बट क्या करें, ब्लॉग बनाना ही है क्योंकि अंकल को जवान दे चुके हैं, हम ब्लॉग करना ही करना है। सो चलते हैं फिर बिना किसी देरी के, जूते वूते पहनते हैं और बड़ी जल्दी दिखाऊंगा कौन सी घड़ी पहन के मैं ब्लॉग करूंगा। अब चलते हैं फिर, जूते वूते पहन के निकल जाते हैं। ओके तो गाइज बस के लिए वेट कर रहे हैं यार, घर से यहाँ तक आने मेरी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सीधा दुकान के पास ले चलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि गर्मी में मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा। दुकान की जो लोकेशन होगी मैं आपको पूरी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, और चलते हैं बस का वेट कर रहे हैं। साफ बता रहा हूँ बस पे जा रहा हूँ, बस नहीं आ रही, गर्मी भी बड़ी लग रही है, और चलते हैं यार फिर। ठीक है बाय। सो गाइज पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट करना है। अभी दिखा देता हूँ कौन सा लोकेशन है। गाइज जब आप यहाँ पे आओगे तो मोती नगर गेट दिख रहा है, मोती नगर पे आ जाना और कौन सा गेट नंबर पे, गेट नंबर 2 के बाद आपको पिलर नंबर 214 नंबर पे आना है। ठीक है, मतलब मोती नगर उतरने के बाद ही लेफ्ट साइड में उतरना है आपको और 214 पिलर नंबर पे आना है। सो फिर दुकान पे चलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो गाइस अंकल की दुकान पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि लिखा हुआ ना आनंद फैशन शॉप, और आपको सब एड्रेस वेड्रेस दे देगा और ये 2 नंबर है अंकल के, और पेटीएम भी कर सकते हो आप लोग। और ये जो नंबर दिख रहा है इन दोनों में से आपको अगर वीडियो बनानी हो तो फ़ोन कर लेना, देख लो। यह लग रही है ना कातिल दुकान लग रही है ना, अंदर जाके पता लगेगा कितनी कातिल है। ठीक है चलो चलते हैं। सो गाइस हम अंकल की दुकान पे पहुंच चुके हैं। अंकल कैसे हो? बढ़िया। और ये अंकल का छोटा बेटा, हाय। हाय। सो यार आज की जो ब्लॉग होने वाला बहुत ही, जैसे मैंने बताया था, अच्छा होने वाला है क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद चांस मिला है किसी की दुकान पे वीडियो बनाने का, क्योंकि हर कोई अगर दुकान पे अगर वीडियो बनाने नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत दुकान पे यार मैं ट्राई करता हूँ बट वीडियो ही नहीं बनाने देते। देखो कस्टमर्स भी आ रहे हैं, सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, ये नहीं है रनिंग दुकान है की, तो फिर कस्टमर जब चले जाएंगे फिर मैं वीडियो आराम से बैठ के अंकल से बातचीत कर सकते हैं। सो यार अभी वीडियो बना नहीं पाएंगे क्योंकि यार अंकल ने बोला था दुकान खाली होगी, तो कस्टमर देख रहे हो आ रखे सारे, तो यार अभी थोड़ा टाइम लेके वीडियो बनाते हैं क्योंकि अंकल से बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंकल कब इस दुकान खोली, क्या सोच के दुकान खोली, पूरे एक एक रेट बताऊँगा मैं आपको, सब प्राइस बताऊँगा, तभी मज़ा आएगा ना वीडियो देखने में, क्योंकि आप अगर ऐसी वीडियो देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से तो एक चांस मिला है वीडियो बनाने का, तो इसको कभी गंवाना नहीं है। तो फिर चलते हैं अंदर ही बैठते हैं आराम से, थोड़ी देखते हैं परखते हैं सिनेमैटिक शॉट का, तब तक मजा लो तब तक आप।
हाँ सो गाइस फाइनली टाइम मिल चुका है क्यों अंकल है ना। सो अंकल ऐसा करते हैं एक एक करके रेट बता दो ताकि कोई भी आए किसी को शक ना हो कि यार इतना ज्यादा रेट क्यों है। तो सबसे पहले टोपियों का रेट बता दो, यहाँ पे जो टोपी लगी है कितने वाली है? क्या ये दो लाइनें जो है? अच्छा ये 200 रुपए में है। अच्छा और ये 5 कैप जो लगी है? अच्छा 300 रुपए में है। ठीक है और ये 5 कैप जो लगी है ये 250 रुपए में है। ठीक है ये 5 कैप जो लगी है ओके ये 200 रुपए में है। ठीक है उसके बाद फिर आते हैं इधर। ठीक है गाइस इधर आ जाते हैं। अब वहाँ के सारे 200 से लेके 250 तक की रेंज में था। ठीक है गाइस ये देख लो 250 और 300। ठीक है अब इधर आ जाते हैं हम। इधर आ जाते हैं ये वाली लाइन जो 5 कैप है ये 150 में है। ठीक है ठीक है और ये ओल्ड मैन के लिए है। ठीक है इनमें 120 के भी है। ठीक है और 80 रुपए के भी है। दो लाइन है। तो गाइज आपको जैसे मतलब आपके कोई ग्रैंडफादर कुछ भी होंगे आपको टोपी लेने दे आ जाना क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा 100 से लेके 120 सस्ता कर देंगे जो भी आ जाना। ठीक है यहाँ से अब थोड़ा स्टाइलिश में आ जाते हैं यहाँ से स्वैगी लुक के लिए। हाँ फिर ये वाली लाइन पूरी 120 की है। 120 की और ठीक है यहाँ से ये दूसरी लाइन जो चलती है हाँ ये 80 की है। ठीक है और सस्ती होगी गाइज जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ से ठीक है ये 50 के रेंज में ये 50 की रेंज में आ गई। हाँ। और सस्ता हो गया ये। हाँ। ठीक है मतलब नीचे से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ। छोटे से बड़ा पता नहीं मैथ्स भी भूल गया मैं काफी दिन हो गए। हाँ। हाँ। चलो उसके बाद ये देखें ये सस्पेंडर है। ये सस्पेंडर होता क्या ये बता दीजिए। सस्पेंडर ये होता है कि जो आजकल बच्चे ड्रांसिंग बच्चे या वैसे भी या बड़े बुजुर्ग जो हों जिनकी पैंट ढीली होती ओके वो पहनते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे मॉडल के लिए भी पहनते हैं। ठीक है और ओल्ड जिसके पेट बड़े हो पैंट नीचे ठीक है अंकल का थोड़ा पेट बड़ा है कोई बात नहीं वो भी पहनते हैं। चलो ठीक है ये दोनों तरह से बिकता है बच्चे भी पहनते हैं और बूढ़े भी पहनते हैं और जवान भी पहनते हैं। जवान भी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। ये है स्लिप्स इसको बोलते हैं वैसे आम भाषा में। ठीक है तो इसका रोल क्या है इसका यहाँ पे? इसका रोल ये है कि गर्मियों में धूप से बचने के लिए जैसे बच्चे टी शर्ट पहनते हैं हाथ खुले होते हैं। ठीक है तो उसको ये इसलिए पहनते हैं कि टैनिंग ना हो जाए काला ना टैनिंग ना हो जाए। ठीक है गाइस आप खरीद सकते हो कितने का अंकल ये बता दो प्राइस। ये इसमें ये है 200 रुपए में। ठीक है ये है 150 रुपए में। ठीक है ये सबसे सस्ती क्वालिटी है 40 रुपए। ठीक है और वो जो आप सस्पेंडर बता रहे थे वो कितने का? 100 रुपए 1 पीस। हाँ ठीक है और यही बगल में ये मार्क्स है। अच्छा ये 50 का है। ठीक है ये मार्क्स है ये भी 50 के हैं। ठीक है और फिर इधर आ जाए ये सबसे सस्ती क्वालिटी में है। सबसे सस्ती क्वालिटी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये खरीद सकते हैं 40 रुपए में है। ठीक है इसमें अगर हम देखते हैं अच्छी क्वालिटी आ जाती है अब तो ये है 100 रुपीज में। ठीक है 100 रुपीज सबसे बेस्ट क्वालिटी आ गई। हाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी। ठीक है इसमें कलर भी मिल जाएंगे टैटू वाले भी मिलेंगे। ठीक है जो थोड़ा स्टाइलिश रहना चाहते हैं उसको टैटू वाला पहन सकता है। ठीक है गाइस अब आ जाते हैं ब्लैक और मतलब मल्टी कलर में मल्टी कलर में मिल जाएंगे। ठीक है और ये है जिम बैंड। अच्छा ये जिम बैंड है जो कलाई को। अच्छा जो हाँ तो गाइस मैं बता देता हूँ जिससे क्या होता है हमारा जो एंकल विस्ट होता है वो टूटने का कम चांसेस जो होता है और वो को टाइट नहीं पहनना होता है वो थोड़ा ढीला ही होता है। ठीक है चलो तो उसके बाद इसको भी मतलब इसकी क्वालिटी है ये 120 की है और ये 160 की है। ठीक है ये 80 का है। ठीक है तीन क्वालिटी इसमें है। ठीक है आपको तीन क्वालिटी मिल जाएगी तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो। हाँ। अपने अफोर्ड के हिसाब से। और ये है रिस्ट बैंड। ठीक है इसका क्या रोल है? ये इसका रोल ये है कि नॉर्मली जैसे मैंने पहना जाता है जिम के मतलब का नहीं है ये ऐसे ही बच्चे पहनते हैं लुक के लिए। हाँ जैसे क्रिकेट मैच खेलने के ठीक है जैसे पसीने आते हैं कि पसीने आ रहे हैं माथे पे तो यहाँ बैंड पहना हो तो ऐसे पूछ लीजिए। ठीक है और एक बैंड ये होता है जो सिर पे पहना जाता है। ठीक है ताकि बाल वाल उसके लिए बाल भी आगे ना आए और गर्मी में जैसे फील्ड में हम खेल रहे हैं पसीने आ रहे हैं तो ये बैंड यहाँ इसलिए पहना जाता है कि पसीने हमारे यहाँ आंखों पे ना आए यहाँ ना आए खेलते टाइम हमारे वो सोक लेता उस चीज को। हाँ ठीक है तो गाइस मैं भी एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं भी दुकान खोल सकता हूँ मतलब। चलो अब आ जाते हैं और थोड़ा सा अगली लुक के लिए। हाँ, ये इसको हाफ नेट टाइप बोलते हैं। अच्छा इसका प्राइस 150 है पूरा जितने भी है। हाँ, अच्छा और गाइस इसमें एक नया लुक आया है 180 में है। अच्छा इसको भी हाफ नेट बोलते हैं ये शायद एंग्री बर्ड वाला देखोगे तो गुस्से में देख रहे हैं हम लोगों को। चलो और इसी के नीचे ये लगे हुए राइड ग्लव्स।
अच्छा राइट ग्लव्स बोलते थे। राइट ग्लव्स का मतलब यह होता है कि गाड़ी चलाने के काम में आता है। अच्छा गाइस, अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, जैसे मोटो ब्लॉगिंग को भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो वो यहाँ पे आके अपना ले सकता है मोटो ब्लॉगिंग ग्लव्स ले सकता है। ठीक है, चलो। ये प्रो बाइकर नाम है इसका, प्रो बाइकर ग्लव्स। ठीक है, राइड के लिए ये पहला। ठीक है, तो ये फिसलन विसलन तो नहीं, पसीना आ जाते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। ये समझ लो एक तरह से ये हेलमेट का काम करता है। बिल्कुल, जैसे हेलमेट हम पहनते हैं सिर को बचाता है, वो ये हाथ को बचाता है। ये हाथ को बचाता, ठीक है, इसीलिए इसको राइड ग्लव्स। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा और स्वागे लुक के लिए। ये भी 150 के रेट में है। ठीक है, इसको हिप हॉप कैप बोलते हैं। हिप हॉप कैप बोलते हैं, जो डांसर्स के लिए हो गया ना ये। ठीक है, जैसे हमने पहन रखी है हिप हॉप कैप। चलो, और इसके बाद हिप हॉप इसको भी बोलते हैं, थोड़ा मॉडल में है, डांसर बच्चे ज्यादातर इसको पसंद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको कहते हैं हैट। हैट कहते हैं इसको, इसको हैट ज्यादा फॉरेन कंट्री वाले पहनते हैं, इंडिया में तो बहुत ही कम देखा है। फॉरेन कंट्री वाले पहनते हैं। अच्छा, और आज भी लोग इसको, इसकी शौकीन है, पहनते हैं लोग। ठीक है, इसका रेट है 100 रुपीज। और इसका जो हिप हॉप वाले कैप का 150। और ये इसका है 300 भाई, सबसे महंगा टोपी देख लो। 300 इसका, और ये 200। ठीक है, और इधर फिर बच्चों का है, ये छोटे बच्चों का आ जाता है, छोटे बच्चों का है। ये कितने के? 50 से लेके 80 तक के हैं। ठीक है, जैसा जिसको जो समझ में आए। और इधर हाफ नेट है। ठीक है, 100 के रेट में। ये सारे 100 के हैं? ये इंडियन मैन्युफैक्चर है। ठीक है, इसके रेट थोड़े सस्ते। वो सारे चाइना वाले थे? वो चाइना वाले। चलो ठीक है, इसके रेट सस्ते हैं। अब ये मत करना कि आप इंडिया वाली खरीदो, चाइना वाली खरीदो थोड़ा यार तुम भी। चलो अब थोड़ी और साइकिल लुक आ जाते अंकल, क्योंकि टोपी की तो चलो बात रही, वो गर्मी से बचा लेगा। अब आगे हाथों में जो बंदे बैंड वैंड पहनते हैं, जो चैन वैन पहनते हैं, आजकल चैन का ज्यादा लुक चल रहा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं, हम पहले यहाँ शुरू करते हैं। जितने भी छल्ले वल्ले सब दिखा दो। ये है पबजी गेम भाई, आजकल तो पबजी देख ही रहे हो, कितने बंदे ने पबजी के वो खोल लिए, पर आप ले सकते हो, पबजी का छल्ला भी आ चुका है यहाँ पे। पबजी के छल्ले हैं, इसमें जो भी इसमें डिजाइन आते हैं ये सारे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब सारे छल्ले मिल जाएंगे। ये रुमाल लगे हुए हैं, स्वागी लिख रुमाल। हाँ ठीक है, कितने के हैं ये? 20, 30, 40। ठीक है, और इसके नीचे आ जाते हैं यहाँ, ये कड़ा हो गया, स्टेनलेस स्टील के ये कड़े हैं। स्टेनलेस स्टील, कोई बात नहीं। चलो, इसके बाद जैसा जिसको पसंद आए, मोटा पतला। ठीक है, जैसे हाँ बिल्कुल जो भी जिसके। ठीक है, अब सलमान खान वाला है, कितने वाला है? 50। ठीक है, और इसके बाद ये गले में जो पहनते हैं चैन गोल्डन, ये तो वो मैं तो देखता हूँ, ये बदमाशी ज्यादा पहनते हैं, जो बदमाशी करते हैं ना वही ज्यादातर पहनते, देखता हूँ इतने मोटे मोटे यार। ये कितने के हैं सारे? ये 80 का है। अच्छा, इसमें अगर स्टेनलेस स्टील का लेंगे तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, लगभग 300। हाँ, ये वैसे बच्चे पहनते हैं कई बार, बदमाशों वाला ही नहीं। अच्छा, स्कूलों में भी ड्रामा के लिए, स्कूल वाले ड्रामे के लिए। अच्छा, बच्चों को ये कहते हैं कि मोटी सैंगल लाओ। अच्छा, बड़ी मुठिया लाओ। अच्छा, स्कूल वाले भी आते हैं। ओके, तो इस वजह से भी बिकती है, ऐसी बात नहीं है कि बदमाशी लुक आती है, ऐसा नहीं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल वाले कहते हैं तुम डाउन बनो। उसके लिए भी आते हैं। चलो, कहते भैया मोटी चैन दे दो, जैसा बनाना है। ठीक है, तो बच्चों की अंगूठियां भी लोग ले जाते हैं गले के लिए। और ये पतली वाली, ये उससे थोड़ी पतली है, बच्चे भी पहनते हैं। सेम प्राइस है, ऊपर नीचे होगा? ऊपर नीचे, ये 40 की है, ये 80 की है। अच्छा, इससे और पतली है ये वाली होगी, ये 30 की है और पतली है, ये 20 की भी है। ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद ये किरिंग है, ये बाइकों के लिए होगा मेरे ख्याल से, के लिए। अच्छा, और इधर ये थोड़ा सा आइटम गर्ल्स के हैं। अच्छा, गर्ल्स के भी आइटम है? थोड़े से आइटम है ये। ये ब्रेसलेट है। ठीक है, ये कितने का? 20 के है। ठीक है, और ये है गले का, 70 के है। ठीक है, और ये गोल्डन चैनों में बता दूं। हाँ, इसमें तो ऐसे रेट लिखे हुए हैं, 30, 30, 30, 30। फिर उसके बाद आ जाएंगे ये 50। और सस्ता ये महंगा? महंगा, महंगा आ गया। 50, फिर 50, ये 100, ये 100, ये 200। ठीक है, मतलब आप 500 रुपए लेके आएंगे, अगर आपको शॉपिंग भी करनी है ना, बहुत बड़ी शॉपिंग हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आते हैं इयररिंग्स पे। इयररिंग्स पे, ठीक है, ये सारी इयररिंग्स बॉयज के मतलब की है। ठीक है, जिसको इयररिंग भी है, लिप्स के भी है इसमें। ठीक है, आईब्रो के भी है, आईब्रोज के भी है, अरे बाप रे, और लिप्स के भी है। अच्छा, ईयर के भी है।
ये वही लोग पहनते हैं जो थोड़े बदमाश टाइप होते ना, वो पहनते यार क्या, तो डांसर लोग पहनते हैं, वही सब पहनते हैं। हाँ डांसर लोग पहनते हैं। हाँ इसमें ये सारी वैरायटीयां हैं ठीक, और विदाउट पियर्सिंग की भी वैरायटी है। अच्छा जो मैग्नेटिक हो गया। हाँ मैग्नेटिक हो गया ठीक है यहाँ से, और ये इतना एरिया ये मैग्नेटिक है। अच्छा ये मैग्नेटिक है यहाँ तक, इतना एरिया मैग्नेटिक है ठीक है, और पियर्सिंग में इसी से ये नीचे जितने भी है ठीक है वो पियर्सिंग पियर्सिंग है इसके है। और भी डिजाइन यहाँ पे लगे हुए हैं भाई, ये देख लो अंकल, देखो मेरे पास छुपा के 200 से ज्यादा डिजाइन होंगे गाइस। अब सच बताऊं आपको, मैं पहली दुकान ऐसे देख रहा हूँ जो 200 से ज्यादा डिजाइन रखे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने बाली पहनी है ना बहुत ही कम डिजाइन की पहनी है, तो गोल्ड पहनी है या तो चांदी की पहनी है, इससे ऊपर ना ही नीचे मैंने पहनी है। तो सोच तो रहा हूँ लेके जाऊँ, वॉलेट घर छोड़ गया, पर कोई बात नहीं। अब देखो कितनी मस्त मस्त रिंग्स है, इयर रिंग्स है सारी, सही क्या ये देखो, एक ही बारी में दिखा देता जो भी है। उधर पेंडल है, ये सारे पेंडल्स हैं ठीक है, पेंडल्स हो गए सारे जो गले में, जैसे जैसे को ये मॉमडन्स का हो गया 786 ठीक है, भेद चारों धर्मों के हैं। हाँ चारों धर्मों के, सब धर्म एक ही है यार, सब भेदभाव के। इधर ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट्स का हो गया सारा ठीक है, बैंड भी है ठीक है, और इधर कड़े हैं, ये बैंगल्स ठीक, गोल्डन कड़े ओके। चलो अंकल आ जाते हैं, और पे करने की भी सुविधा है। हाँ मैं बता दूँ, फोन पे कर लेना या तो, और कौन सा गूगल पे भी है, भीम ऐप है। अरे अंकल भीम से कम है क्या, मुझे देख लो अंकल की एक बारी। चलो अंकल, और इसके बाद आ जाते हैं हम स्टेनलेस स्टील पे ठीक है। अब ये हो जाता है 300 रुपए से स्टार्ट, ये 300 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। अरे बापरे। हाँ। चलो ये जितने भी डिजाइन लगे हुए हैं ये 300 रुपए के ठीक है, लेकिन ये कभी खराब होने वाले में से नहीं। अच्छा ये मतलब जैसे रंग उतर जाते हैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलो गाइस ले सकते हो, जिनके पास पैसा है तो लो, सालों साल पहनेंगे तो कलर में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। और बाकी अंकल बैठे ही हैं। हाँ। उसके बाद इधर आता है 100-150 में ठीक है, इसके भी कलर नहीं उतरते ठीक। और ये जो ऊपर जो लगे हुए हैं इसके डिजाइन में है ये वाले, ये इसको ये 80 में है, 80 में ये सबसे हाँ। सस्ता हो गया यहाँ पे मैंने अभी तक देखा है, नहीं इससे भी सस्ता है, भी सस्ता है ठीक है, ये 80 में है ठीक है। इसके बाद फिर इधर तो कई तरीके के लगे हुए हैं और रेट भी सबके अलग अलग है ठीक है, सबके मतलब इधर गर्ल्स का भी और बॉयज का भी है, दोनों ले सकते हैं आके ठीक है। इसमें सबका रेट बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा। चलो अच्छा, मतलब 60 के 80 के नीचे ही है सब, 80 के नीचे ही है सारे, 50, 30, 40 ऐसे है, मतलब 50 रुपीज में ऊपर वाली लाइन हो जाएगी। हाँ। और जितने भी 100s की लाइन में आ जाएगी। हाँ। नीचे वाली। हाँ। चलो यहाँ का तो बच गया, अब दूसरा ये आइटम है, इसको 91 बोलते हैं, 91 अच्छा 91 ओके, 91 बोलते हैं, ये सिर में हाँ कोई बात नहीं, इनका जो बच्चा है ना इनको डिस्टर्ब करे जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये 91 है, इसको सिर पे पहनते हैं, इसी को मार्क्स भी बना लेते हैं ठीक है, कई तरीके की बन सकता है। 91 का मतलब 9 तरीके से यूज हो सकता। अच्छा 91 मैं समझ गया गाइस, इनका मतलब है आप एक ही चीज को 9 बारी पहन सकते हो, 9 तरीके से यूज, मतलब आप अगर वो 300 की खरीदोगे तो ये कितने की है, 40 या 40 में 9 चीजें पहन सकते हो, तो मतलब यार चलो कोई नहीं मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, और इधर से आ जाते हैं अंकल, अब यहाँ पे जो बुलेट्स रख रखी है मुझे पुलिस ना पकड़ ले। नहीं, नहीं, चलो बात नहीं है, चलो आ जाते हैं, ये डुप्लीकेट बुलेट्स है। अच्छा। जैसे डुप्लीकेट रिवॉल्वर मिलती है मार्केट में ठीक है, वैसे डुप्लीकेट ये सब पहनने के लिए है, ये गले में। हाँ, ये पेंडल है बॉयज के, मतलब ज्यादातर ये गले में ही पहने जाते हैं ठीक है, ये सारा स्टेनलेस स्टील का है, कभी खराब नहीं होते गाइस, कभी खराब नहीं होंगे आप ले सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा कितने की प्राइस तक है, 40-50 के रेंज में, 40-50 के रेंज में, बाकी यार आप ऊंच नीच कर सकते हैं एक दो रुपए, ज्यादा नहीं यार, क्योंकि किसी की कमाई भी रुक सकती है, ये तो साफ सी बता देना कि मैं कभी कम नहीं करता, देख लो गाइस कभी कम नहीं करेंगे, मैं 1 रुपया भी किसी कस्टमर से कम नहीं करता ठीक है, और एक दाम के लिए ही मैं मशहूर हूँ, एक दाम से ही मेरी गाड़ी चल रही है, देख लो गाइस। अब मैंने तो बोल दिया कि कम कर लोगे, बाकी वो आप जानो, क्योंकि मेरी काम था बताना। अब यार तुम इनकी ईमानदारी देखो, ज्यादा ये रेट बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल है, सारे रेट्स अफोर्डेबल है, क्योंकि यार तुम इतना कमा रहे हो तो यार 300-200 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है। और ज्यादा सबूत के तौर पर आप दिखा देंगे कि हमारे यहाँ लिखा हुआ ऐसा कि एक दाम आपका स्वागत है, फिक्स प्राइस, दो दाम कर नहीं सकता ठीक है, मतलब इनके दो फेस नहीं है, एक ही फेस है। चलो अंकल यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद ये रिंग्स आ गई, जो की वैरायटी है
किशन भाई तुम्हें को पक्का पता तूने यहीं से खरीदा है अगर तू वीडियो देख रहा होगा तो ये इसमें बहुत तरीके की वैरायटी है, लड़कियों का भी है यहाँ पे। हाँ, लड़कियों का भी। चलो पहले लड़कों का देख लेते हैं। ये वाला प्राइस बता दो, ये वाले डब्बे का ठीक है, और ये वाले का 40 ठीक है, ये 40 और 70 दो रेट के हैं इसमें ठीक है। इधर ये बीच वाला डब्बा 20 ठीक है, ये 40 ठीक है, 40 ये 50 ठीक है, फिर ये 20 ठीक है, तो आपको पता ही है। हाँ, ये मैं लेके गया था जो मैंने पहन रखा है। और उसके बाद ये आजकल और नई आइटम चली है। अच्छा, लड़के ज्यादातर इसको पसंद करते हैं ठीक है। इसमें दो तरह की है, 50 ठीक है, 70। इसके बाद ये गर्ल्स के दो डब्बे हैं। चलो गाइस, अब अंदर को ज्यादा बोलने नहीं देते हैं, मैं ही बताता हूँ। ये सारे 40, 30, 50 या 100 तक की रेंज में मिल जाता है। ये ब्लैक वाला सबसे सुंदर है, पहन के दिखाऊंगा फिर देखते हैं। सो गाइस, अंकल ने हमें चाय पिलाई, थैंक यू अंकल, आप चाय पिलाई अंकल ने हमें बढ़िया तरीके से बैठ के। सो अंकल की जो जन्म कुंडली है ना, वो अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप इस वीडियो में प्यार दो, इस वीडियो को अंकल के पास आओ, शॉपिंग करो अंकल के पास आके, फिर आपको सेकंड पार्ट दूंगा, फिर अंकल की जन्म कुंडली निकालेंगे। जन्म कुंडली मतलब कि अंकल कहाँ से, अंकल ने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करा, ठीक है। ये अंकल बिजनेस कब से चला रहा है? 97 से बिजनेस चला। लगभग कितने साल हो गए फिर भी? 25 साल हो गए होंगे भाई। 25 साल से मतलब ये बिजनेस चल रहा है और एक दाम फिक्स है। ये नहीं कि तुम आओ अरे भैया ये कर लो, अरे भैया वो कर लो, रेट टू रेट आपको मिल जाएगा इधर सारा सामान। और पेटीएम हो सके तो पेटीएम भी लेके आओ, कैश भी लेके आओ, सर चीज लेके आओ यार। और लेकिन रेट कम मत करना, क्योंकि यार अंकल की मार्केट डाउन हो जाएगी वरना, ठीक है। तभी तो भीम वाला लुक है इनका। ऐसे तो कर दो अंकल एक बारी, ऐसे कर दो एक बारी, सब्सक्राइबर तो देखे कि वीडियो बनाते करो तो सही, ऐसे एक बारी बड़े तरीके से कर दो भी सही है, करना नहीं पड़ेगा ही। सो यार अब ना घर जाके बात करते हैं आप लोगों से। A few moments later. हाँ, so guys, आ चुका हूँ घर पे यार, बड़ा बहुत थक गया हूँ यार। मतलब इतनी बातें फर्स्ट टाइम मैंने किसी से करी है। वहां पे अंकल ने रोक भी लिया था बात करने के लिए, बट मजा आ गया बात करके। और वीडियो को क्या करना है आप लोगों को सब पता ही है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को करके छोड़ दो यार। और कुछ नहीं यार, और अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।